हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और इस बच्चे का काम शुरू हो गया है। इधर देख लो, देख लो। तो अभी तुरंत सोकर उठाया, उसका काम शुरू हो गया है। सारा पड़ा रहता है, कोई करता नहीं है। जब ये उठता है तो अपना काम खुद से ही करता है। तो चलिए, फिर मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, पहले चाय बनाते हैं ब्रश करने के बाद, क्योंकि आज मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है और मेरी आंख भी दर्द हो रही है, ये वाली पता नहीं। तो चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओह, तो मॉर्निंग में इन दोनों की पोटली खुल चुकी है। और वैसे तो चॉकलेट पति परमेश्वर इस टाइम पर नहीं खाते हैं, मैं ही खाती हूँ। मैं और अभी एक पीस, सभी खाएंगे तो तीन चार पीस मैं खा जाती हूँ सच में। तो अभी अलमारी जो है मैं क्लीन कर रही थी, तो सारा सामान मैंने बाहर निकाला था, तो ये इनको गिफ्ट में मिला था, तो इसको मैंने देखा नहीं था। तो अभी जो है मैंने देखा, तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैंने जो है बाहर निकाल दिया है और मुझे फटाफट ये सारा क्लीन करके जो है रखना है। तो दिवाली की सफाई समझिए शुरू हो चुकी है। और आज का ब्लॉग मेरा जो है क्लीनिंग ब्लॉग ही रहने वाला है। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हो सकता हो आपको वीडियो पसंद आएगी, तो देखिएगा फिर आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई हमारी क्लीनिंग ब्लॉग, आपको कैसा लगा। तो बस यहाँ पर फटाफट जो बहुत सारे ना अलमारी में इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे ना, एक निकालो तो चार बाहर निकल आते थे। तो मैंने सोचा चलो आज इनको हम क्लीन ही कर देते हैं। तो पति देव ऊपर बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, जो कागज़ पत्तर होता है ना वो सारा सेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, क्योंकि उसी में ना सब कुछ मिक्स हो जाता है, फिर ढूंढो तो मिलता नहीं है, बहुत गुस्सा आती है फिर। तो मैंने सोचा फटाफट इसको वो ऊपर क्लीन कर लें और यहाँ पर मैं फटाफट ये सारे जो सामान है ना इसको हटा दूँ। तो बस यहाँ पर, और अभी जो है खेल रहा है, और जब तक ये खेलेगा ना तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। और मैं 5 बजे सुबह उठी हूँ, मैंने बस चाय पिया है, और इसके पहले मैंने बहुत सारा काम किया, चाय बनाया, किचन में बर्तन वगैरह थे उनको मैंने धुला, उसके बाद फिर जो मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च ये सारा कट किया नाश्ता बनाने के लिए मैगी, क्योंकि अभी जो है बज रहा है 6:30 बज रहा है, क्योंकि 9 बजे तक पति देव को जाना है। तो इस वजह से मैंने ना सोचा कि जब आप एक काम करो ना तो पूरा कंप्लीट करके तभी दूसरा काम पकड़ो, तो मेरा तो यही मानना है। इसलिए मैंने ना सारा कुछ कट करके रख दिया है, और जब तक मैं ये सारा रखूँगी ना तब तक 9 तो बज ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है छोटे छोटे सामान ना इसको रखो उसको छाँटो बिनो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा काम करते करते देखिए पतिदेव को लग गई भूख, और उन्होंने कहा कि पहले मैगी बना दो और लाके खाया जाए। उनकी आदत है ना मॉर्निंग में, जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो लो फिर आ जाओ ना बेटा, उनकी आदत है मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो चाय तो ज़्यादा पीते नहीं है, तो इस टाइम पर जो है ना, तो मॉर्निंग में मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, बस किचन वाला सारा काम खत्म किया था। तो मैंने सोचा चलो इनको मैगी बनाकर पहले दे देते हैं, उसके बाद फिर जो है अपना कोई काम करेंगे। तो फटाफट इनकी मैगी जो है बन चुकी है, इधर मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है अभी के लिए, क्योंकि इनको भी दूध चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े थे तो कि मशीन में भी लगा दिया है, तो इतना सारा काम मैंने ख़त्म किया है। कपड़े भी मेरे धुलने वाले हैं, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कपड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं धुल पाई हूँ मैं। और यहाँ देखिए सामान पूरा बिखरा है, अभी कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे पूरा अच्छे से क्लीन करने में, तो आज मेरा पूरा टाइम ऐसे ही जाने वाला है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों मस्ती कर रहे हैं बाप बेटे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, फिर से लग गई हूँ अपने काम पर। और आज आप लोग मेरी चूड़ियों की कलेक्शन देख लीजिए, बहुत खास नहीं है, लेकिन जो भी जितनी भी मेरे पास सारी है, सारी चूड़ी की मैचिंग मेरे पास है, और सारा जो है ना ऐसे पड़ा था इधर से उधर, क्योंकि मेरे पास कोई चूड़ी वाला बॉक्स नहीं है, तो मुझे वो बहुत जल्द लेना है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चूड़ी मेरी ना बहुत ज़्यादा फूट जा रही है, तो इसकी वजह से मुझे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आज मैं यही छानबीन कर रही हूँ, सारा जो चूड़ी है ना वो निकाल निकाल कर ऐसे एक धागे से, जो पतिदेव मंझा उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, उसी धागे से मैं इसको बांध बांध कर इकट्ठा करके रख दूँगी, क्योंकि जब कहीं जाओ ना तो ढूंढने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है, और फिर सारी एक में ऐसे मिक्स रहती ना तो फूट भी जाती हैं सारी चूड़ियाँ।
तो बस आज का जो है ये सारी अलमारी में ही रखी थी तो सेफ थी, अभी अलमारी से बाहर आ गई हैं तो थोड़ा सा रखने में प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आ रहा कहाँ पर रखूँगी मैं इनको, तो देखते हैं अभी। और यहाँ पर सारी चूड़ियाँ देखिए मैंने सेट कर लिया है अच्छे से, और अच्छे से इसी तरीके से मैंने इनको बांध दिया है। तो बांध कर मैं सोच रही हूँ ना इसी मेकअप बॉक्स में मैं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सेफ रहेगा और उठा के ना इधर से उधर जो है रखने में थोड़ा सा आराम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सारी चूड़ियाँ जो थी मैंने रख दिया फटाफट, और अभी जो है मैं सारा जो है ना इसी में सेट कर दूंगी, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, बस यही मेरे पास एक ऑप्शन समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही करके रख दूं। क्योंकि वैसे ना अगर मैं फिर से उसी बॉक्स में रखूंगी सॉरी कागज़ वाले डब्बे में ना, तो थोड़ा सा गिरने उड़ने का थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है, तो मैं ऐसे ही बांध के इसी में मैं सोच रही हूँ रख दूंगी, तो थोड़ा सा तो बची रहेगी, दो चार तो कम से कम बची जाएगी। कांच वाली जो है उसी का थोड़ा सा डर है, बाकी और तो सेफ ही है। तो यहाँ पर मेरा बच्चा देखिए कैमरा कैसे हिला रहा है, और वो बेड पर है, मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, और वो लगे उसका ना एक हाथ कैमरे पर लग ही जाता है, तो यहाँ पर वो भी शैतानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चूड़ियाँ मैंने उसमें रखी है, क्योंकि मुझे बंद भी करना है, नहीं तो बंद भी नहीं होगा तो थोड़ा सा फूट जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला बॉक्स मेरा भर चुका है, और मैं सोच रही हूँ दूसरे वाले बॉक्स में भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है ज़्यादा चूड़ी है तो उसमें एक बॉक्स में तो मुश्किल है आ पाना। तो ये मेरी चूड़ी की कलेक्शन जो है आपको कैसी लगी, मैं किसी दिन अच्छे से दिखाऊंगी साड़ी की मैचिंग करके, अभी तो मैं फटाफट ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है और मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है आज, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये है दूसरा मेरा मेकअप बॉक्स, एक मायके वाला है एक ससुराल वाला है, तो दोनों में मैं चूड़ियाँ भरकर रख दे रही हूँ, और अपना मेकअप का सामान मैं किसी और में डब्बे वगैरह में रख लूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए दोनों में मैंने चूड़ियाँ जो है डाल दी है, और थोड़ी बहुत चूड़ी जो थी मेरी वो नहीं आई है, और ये जो गोल्डन वाली सारी चूड़ियाँ है ना ये सारा मैं अलग रखूँगी। तो बस रूम का काम ख़त्म करने के बाद फिर से मैं जुट गई हूँ यहाँ पर। आज थोड़ी सी धूप निकली है, थोड़ी सी नहीं धूप अच्छी खासी निकली है बेटू जी मेरे, तो यहाँ पर मेरा बच्चा शैतानी कर रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर जो है साड़ी मुझे धुलनी थी, और ये वाली साड़ी जो है ना मैं पहन कर गई थी विसर्जन में, तो ये मैंने सोचा ना ऐसे खंगार के रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी लेकिन बारिश की वजह से नीचे नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रश लगाकर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। और जो नीली वाली साड़ी मैंने सीढ़ी पे आप लोग को दिखाई दे पा रहा होगा, वो वाली साड़ी में ना इतना ज़्यादा कलर निकला कि जो है मेरे हाथ पूरे रंग गए हैं। और ये इस वाली साड़ी के ब्लाउज में भी उसका कलर जो है थोड़ा सा लग चुका है, तो अभी देखते हैं उस वो वाला कलर जो है कैसे निकलेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उसको छुड़ाना। तो अभी तो आज मैं ऐसे खंगार के रख दूंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम है, अभी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, अभी बस रूम का काम मैंने ख़त्म किया है, तो थोड़ा सा अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो इस वजह से ज़्यादा काम अभी नहीं करूँगी, फिर बाद में कर लूँगी, क्योंकि बाद में जो है पहले खाने का इंतज़ाम कर लूँ, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह जो है होती रहेगी। तो बस अभी जो है कपड़ा मेरा धुल चुका है, अभी आंगन धुलना है, और देखिए इसमें भी कलर निकल रहा है, दोनों साड़ियों में ना बहुत ज़्यादा कलर निकल रहे हैं, तो इसके साथ अच्छा हुआ मैंने भिगाया नहीं था दोनों को। तो भी हो रहा है दोपहर का टाइम, और मेरा सारा काम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, खाना वगैरह बन चुका है, खाने में बना है लोबिया आलू, और इनकी मस्ती जारी है इधर, ये देखिए। तो मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, पति परमेश्वर भी घर पर हैं, ये मिल लीजिए, बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? भरत मिला। भरत मिला आप देखने चले क्या? चलो बेटा तैयार हो जाओ, तुम लोग जा रहे हैं भरत मिला। खत्म हो जाएगा, तुम लोग को एक घंटा लगेगा तैयार होने में। क्या बोले? आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ। और तुम लोग का लगेगा एक घंटा तैयार होने में। तो अभी विसर्जन वाली वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है, क्योंकि इनके फोन में है, इनका फोन खराब हो गया था, तो कल परसों नर्सों में जब भी बन जाएगा तो मैं अपलोड करूंगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना। तो कैसे लगा हुआ था? नाच रहे थे, डांस कर रहे थे पानी में, और क्या, पानी में डांस कर रहे थे और फोन के अंदर पानी घुस गया ना, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी ना। इनसे पूछो बताएंगे क्या, बहुत जल्दी ज्यादा बारिश हुई थी। अभी क्या बारिश हुई थी आप?
नहीं हुई थी क्या राधा? तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा नींद में है, इसको नींद आ रही है, और ये मेरा बच्चा। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।